वैसे इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अब तुम्हारी माँ तवायफ है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे। चलो कुछ खा लेते। मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो। हमें कुछ नहीं खाना। आप जाए यहाँ से। भला तुम्हें छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? जिद मत करो, तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कसम से। काशान भाई, आपको समझ में नहीं आता, हमें आपसे बात भी नहीं करनी है, जाए यहाँ से। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत को ठुकरा रही हो और रात में अपने आशिकों को बुलाती हो। जिस आशिक के साथ तुम जेवर लेके भाग रही थी ना, उससे बेहतर हूं मैं। तुम्हारा अपना हूं, कोई गैर नहीं। क्या इतना बुरा हूं मैं? हाथ छोड़े हमारा। नहीं छोड़ा। हमने कहा हाथ छोड़े हमारा। ये लो, छोड़ दी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो खाने का पूछे, बंदा ख्याल करो, पर से बातें भी सुने। अजीब अजीब बात है। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तो सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी। नहीं ना, मैंने नया रेस्टोरेंट डिस्कवर किया है, उसका अल्फ्रेडो पास्ता बहुत मजे का है, हम वो ट्राई करेंगे। यार तुम वेट के बारे में ना इतना कॉन्शियस नहीं हो, परफेक्ट हो, मुझे पसंद हो। अच्छा सुनो फारिया आ रही है, मैं फिर ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके फारिया, बात सुनो। जी बैठो ना। अच्छा मैं सोच रही थी, ओ कॉफी पी रही हो? ब्लैक है। ब्लैक? अच्छा उसको तो खैर पता है। सकीना मेरे लिए भी कॉफी ले आओ। ब्लैक कॉफी? हाँ मैं बात सोच रही थी, ये दिलावेज वैसे तो हवेली से बाहर नहीं जाती, उस लड़के से कहाँ मिली होगी? दिलावेज जैसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं, बहुत चलाक, और इनको लड़कों के पास जाने की जरूरत नहीं होती, लड़के खुद अपना रास्ता इन तक ढूंढ लेते हैं। हाँ वैसे ना पीजान और मामू जान से कभी माफ नहीं करने वाले। तुम्हें पता है पीजान ने उसको खाना भी बंद कर दिया। अच्छा है उसको सजा मिली, पता चले कि उसने कितनी गलत हरकत की। आगे कॉफी। थैंक यू। शायद वैसे वो लड़का कौन था? पता नहीं होगा कोई, और तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं मतलब सोच रही हूँ हवेली में कैसे आया। दिलावेज ने बुलाया होगा। तो क्यों पूछ रही हो इतने सवाल? सही कह रही हो, लेकिन वापस पैसे दिलावेज का क्या होगा? शादी नहीं है तुम्हारी, है ना? तैयारी नहीं करनी? अच्छा हाँ यार वो तो तुम ठीक है।